वेलकम बैक। स्वागत है एडी की आज एक और नई वीडियो में। एडी का थेरेपी प्लान, एक्सरसाइज, पीटी सब चल रही है, फ्रूट डाइट हो चुकी है। आज वीडियो थोड़ा पहले स्टार्ट कर दिया हमने। चले एडी, अब वो तुम्हारा वाला काम। ये पूरा घरेलू चीजों से बनाया हुआ सेटअप है जी, जगह जगह अपने लॉजिक लगा लगा के बनाते हैं। बस यही सब छोटी छोटी चीजें एडी को हम कराते रहते हैं। इसमें टेक्सचर भी हो जाता है, फील हो गया टेक्सटाइल्स का, साथ में बॉल लेके जाएगा, बकेट है उसमें डालता रहेगा और फिर दोबारा जब आएगा दूसरे राउंड में फिर यहाँ पे बैलेंस करेगा और फिर जाएगा। चलो बैलेंस कर लो। अब ये देखो, ये ब्लू है, ये ब्लू ब्रश देखो, ये ब्लू है, ये कैसा है सूखे देखो, टच करके देखो। हाँ, अलग करो। पहले इसको हम लोग विलबागर ब्रश से करते थे ब्रशिंग, अभी मैम ने बोली थी कि इसको दूसरे भी ब्रश अप्लाई करो, और स्क्रब होता है जो बर्तन धोते हैं जिससे, डिश वॉश वाला स्क्रब। अभी इसको मैं अलग अलग फीलिंग दिखा रहा हूँ कि फील कितना कर पा रहा है किस वाले ब्रश को। सबके अलग अलग ब्रशेज हैं, इसके अलग टाइप के हैं, इसके अलग टाइप के हैं, ये अलग टाइप का है, ये इससे थोड़ा ज़्यादा हार्ड है। एडी इसको करो, ऐसे करो, कौन सा है ये कौन सा है? ग्रे। ऐसे ऐसे करके देख लो, हाँ ग्रे है। जाम बोलो भी तो, जाम बोलो, जाम जाम, हाँ जाम जाम, ठीक है। अब ये नीचे और नीचे, वेरी गुड, और नीचे, वेरी गुड, ये। अब ये देखो, यहाँ यहाँ ऐसे, वेरी गुड। अब यहाँ और नीचे, और नीचे, ये। वन टू, वन टू, वन टू, हाथ भी ऊपर होने चाहिए, वन, हाथ ऊपर करो और बोलो मुंह से, वन टू, हाँ करो करो, चलो वन, एक ही काम करना चाहते हैं। टू वन टू, हवा दाल। अभी क्या है पूरा, क्या है एडी, क्या खाएगा एडी, क्या खाएगा? खाया, खाना, वेरी गुड। खाने में क्या खाएगा? दाल, चावल। बताओ एडी क्या है? हाँ दाल चावल, दाल। क्या है ये? खाए, खाना। हाँ खाना तो है, लेकिन खाने में क्या है ये? खाए, खाऊंगा, वो भी मुझे पता है, लेकिन ये है क्या? हाँ दाल, हाँ दाल है। आगे ये क्या है बताओ? दाल, हाँ। ये क्या है? दाल, हाँ दाल, सिर्फ दाल है ये? चावल भी तो है, चावल, दाल 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 दाल, सिर्फ दाल है, चावल, दाल चावल। हाँ पूरा खाना। एडी कैसे खाता है खाना, खा के दिखाओ, खाओ, हाँ खा के दिखाओ। हाँ ये देखो एडी चाट रहा है, ये देखो एडी खाना चाट रहा है इसमें से, ये देखो। इसमें से नहीं खा सकते बेटा, हम ला के देंगे तुमको। गुड़िया हेलो बोलो, हेलो एडी, क्या कर रहा है, क्या कर रहे हो एडी, क्या है ये? कर आटा, दा आटा, आटा, हाँ ऐसी करो। ये चट चट की आवाज जो आ रही है वो बैठ की आ रही है। देखो उसका मुंह देखो नायशा का, अरे 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 अरे, पहले वो नहीं डरती थी, वो भी डर रही है अब। वो देखो वो दूर। अरे एडी को मैंने बोली कि एडी सब्जी वॉश कर दो, तो एडी गए फेस वॉश उठाए और मैं अपना मुंह धुल लिए। एडी तुम लेके आओ स्टोरी बुक, जाओ बुक लेके आओ, जाओ ले आओ बुक, ले आओ बुक, बुक लेके आओ, जल्दी जाओ, नीचे है नीचे, देखो बुक रखी, लेके जाओ पढ़ोगे ना, जाओ मम्मी को दो, मम्मी को दो, मम्मी पढ़ाएगी। बैठो नीचे, बैठो लेके, खोलो बुक को, स्टोरी बुक है ना। डोसा खाओगे? डोसा। अभी हम लोग आ गए बाहर थोड़ा बच्चों को घुमाने के लिए और कुछ खिला देंगे। तो एडी ने खाया थोड़ा सा वड़ा पाव, एक डोसा बना लिया है, लेकिन ये कुछ भी करने को रेडी नहीं है। अरे अरे बेटा बेटा बेटा, तो जी एडी अभी आ गया वहाँ से, वड़ा पाव डोसा, एडी ने थोड़ा सा डोसा खाया और वड़ा पाव थोड़ा खाया,
वड़ा पाव ज्यादा अच्छा लगता है एडी को। अभी इधर से चलते हैं। एक्चुअल में क्या, गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है और हमारा जो घर है उसके ऊपर कुछ बना हुआ नहीं है। डबल स्टोरेज होता है तो नीचे वाला घर ठंडा रहता है, अदरवाइज वो डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है तो इसे बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। इस टाइम पे, ये टाइम आते आते सर दर्द होने लगता है। नॉर्मली हम इस टाइम पे रोज रहते नहीं थे, थेरेपी के लिए निकल जाते थे। आज थेरेपी की छुट्टी है तो बस वो वाला जो टाइम है 3 बजे के बाद वाला बहुत ज्यादा हालत खराब कर दे रहा है। जब बाहर निकले तब थोड़ा सा सर दर्द कम हुआ है। अभी निकलते हैं यहाँ से, देखते हैं कहाँ जाते हैं। ऐसा हैप्पी नहीं है बिल्कुल भी, बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है। ब्रेजा का माइलेज 15 रुपए बताई दिया तुमने, बता दिया मैंने। चलो भी कहीं नहीं गया। उसके बाद हम वैसे घूम घाम के आ गए। हम लोग इलेक्ट्रॉल ले आए नायशा के लिए। नायशा की तबीयत खराब है, शायद हमने बताया नहीं। बताया है, फिर ठीक है। नायशा को लूज मोशन हो रहे हैं थोड़े थोड़े, तो अभी इलेक्ट्रॉल ले लिया उसको पिलाने के लिए। कुछ खा नहीं रही है, केले ले लिए, अगर खाएगी तो केले खा लेगी। चले बेटा एडी आ जाओ। चलो एडी का ग्लास देख के क्या याद आ रहा है, किसी को कुछ पता है इस ग्लास के बारे में बताना। नायशा के लिए लेके आए थे हम, और क्या। हाँ, इलेक्ट्रॉल पिलाने की कोशिश कर रहे हैं वो, मांग मांग के पी। लाओ दिखाओ एडी ग्लास दिखाओ। देखो एक मिनट देगा ही नहीं। लाओ एडी ग्लास तो दिखाओ। अच्छी बात है, एक मिनट सिर्फ ग्लास दिखाओ, ग्लास ओनली ग्लास। हमारा जूस नहीं पीऊंगी, लाओ लाओ ना एडी। मैं मम्मा हूँ ना, पूरा खत्म करके दिया। ये देखो कितना मुन्ना चुन्ना ग्लास है एडी। बेटा गुड नाइट, गुड। कह रहा फोन हटा दो। एडी गुड नाइट बेटा, फोन हटा दो। फोन के कैमरे के लेंस पे हाथ लगाता है आजकल, बहुत होशियार हो गया है ना। कह दो बेटा फोन हटाओ, फोन हटाओ। नीना सो जाओ, सोऊंगा। देखो कुछ सोऊंगा बोला, कुछ से सोऊंगा। शर्मा गया। चलो फिर गुड नाइट बोल दो सबको, गुड नाइट बोल दो एडी। कल मिलूंगा। हैंड से ऐसे बाय 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 बाय। हाँ वेरी गुड। द नेक्स्ट डे 10 बज चुके हैं सुबह के, लेकिन एडी अभी तक उठा नहीं है। हम वेट कर रहे हैं कि एडी उठ जाए। मुझे हल्की हल्की आवाज आई तो मैं देखने आया, तो सच में सो रहा है भाई अभी। तो अभी वो सो रहा है तो उसको सोने देते हैं। अभी दूसरे रूम में उसका वेट कर रहे हैं। जब तक एडी उठता नहीं तब तक हमें ऐसा लगता है सुबह हुई नहीं है। एडी के लिए फ्रूट व्रूट रेडी करके रखे हैं। अभी उठेगा, पॉटी जाएगा, फ्रेश होगा। एडी वैसे टाइम से पॉटी चला जाता है, उसका एक शेड्यूल बना दिया। एक कमेंट भी आ रहा था कि एडी की आपने पॉटी ट्रेनिंग कैसे कराई। जब तक वो एडी उठता है तब तक मैं आपको ये बता देता हूँ। तो एडी की पॉटी ट्रेनिंग कराने के लिए हम लोग शुरू से ही चिंतित थे, परेशान रहते थे इसको कैसे कराएंगे, इसको कैसे समझाएंगे। तो उस चीज़ के लिए हमने मेहनत करना स्टार्टिंग से शुरू कर दिया था। कितने साल का था एडी, एक्चुअल में मुझे टाइमिंग कोई बहुत ज़्यादा याद नहीं रहती, एडी की मम्मी को याद रहती है। एडी की मम्मी बता देंगे क्या टाइम था, कितने साल का था एडी उस समय। जब ये 2 साल का था ये खड़े होके करता था, खड़े हो, याद करो पहले वो। तो हम लोगों को ना जब हम इस दिल्ली गए थे पहली बार, 2 साल का पूरा हो चुका था इसका फरवरी में, तो हम दिल्ली गए थे इसको डायग्नोसिस कराने के लिए। तब तक ये खड़े होके करता था पॉटी, तो वो चिंतित इसके पापा थे। और इसका वेट ज्यादा था एडी का, जैसे नायशा अभी 3 साल की है लेकिन लगती नहीं है 3 साल की, वो थोड़ा सा। हाँ वो हाइट भी अच्छी, अभी भी उसकी हाइट बहुत अच्छी है, मेरे बराबर हो रहा है वो। उसकी हाइट और वेट बहुत ज्यादा था, तो उसको मैं तो उठा ही नहीं पाती थी, ऐसे उठा के रखना और पॉटी का बहुत मुश्किल होता था। तो हम लोगों ने ना प्रिपेरेशन बहुत जल्दी स्टार्ट कर दी थी, ब्रेन को ना मेकअप करना बहुत जल्दी स्टार्ट कर दिया था एडी के पापा ने ना, कि इसको सिखाना है। हमने इसको वीडियोस दिखाई, छोटी छोटी क्लिप्स जिसमें कि एक कार्टून है वो पॉटी करने के लिए जा रहा है तो पॉटी कैसे कर रहा है, प्रेशर लगाते हैं तो कैसे आवाज़ निकालते हैं और किस टाइम पे जाते हैं। तो फिर हमने इसको धीरे धीरे वो क्लिप दिखाई, पहले तो इंटरेस्ट नहीं लेता था ये इंटरेस्ट, इसको ना समझ में आता नहीं था। एक बार है ना हमारे घर में वो आए थे कोई गेस्ट मिलने, तो उनका बच्चा एडी के बराबर है
और उन्होंने पॉटी ट्रेनिंग लेके आए थे। फर्स्ट टाइम एडी ने पॉटी ट्रेनिंग वहीं देखी। वो अपनी पॉटी ट्रेनिंग में बैठता ही नहीं था, डरता था, उसको पता नहीं क्या फियर था, वो डरता था कि इस पे नहीं बैठूंगा, इस पे नहीं बैठूंगा क्योंकि उसमें वो होता है, होल होता है। अब वो होल देख के डरता था, वो इसमें गिर जाऊंगा मैं, ऐसे कहते थे गिर जाऊंगा, वो इतना बड़ा, उससे छोटे से इसमें कैसे गिरेगा। अब जाके वो एडी का वो पॉट वाला डर अब निकला है, नहीं तो इससे पहले वो अपना अटैचमेंट अलग से वो लगा के बैठता था, अभी भी लगा के बैठता है। तो फिर क्या हुआ, वो उसने देखा कि अच्छा ये ऐसे कर रहा है, उसको दिखाया, उसके बाद में उसको थोड़ा सा समझ में आया, तो वो वीडियो में इंटरेस्ट लेने लगा, फोटोज में, फिर उस फोटोज में और वीडियोज में इंटरेस्ट लिया, फिर उसके साथ बाथरूम के अंदर जाके वो कमबोर्ड में बैठा है, फिर उसके बगल में उसके साथ बैठ के फिर बताया ऐसे, मतलब जो भी होता है प्रेशर ऐसे लगा रहे हैं, फिर उसमें दिखाया ये वीडियो में लगाया, फिर मैंने लगाया, अब तुम लगाओगे, फिर वीडियो में लगाया, मैंने लगाया, तुम लगाओगे, फिर बैठोगे। तो ऐसे करते करते हमको करीब 2 साल का टाइम लगभग। और एक चीज और है कि इसमें ना हम लोगों ने करके भी दिखाया है, एडी के पापा ने पूरा उसको लाइव करके दिखाया कि ऐसे करते हैं। अब इसमें कोई वैसी बात नहीं है, देखो ये हमारे बच्चे स्पेशल है, नॉर्मल लोगों को बहुत अजीब सा लगेगी ये चीजें, ये कैसे, लेकिन ये करना पड़ता है, और आप जितनी जल्दी कर लो ना छोटे बचपन में वो ज्यादा अच्छा है। तो ये हम लोगों ने तो प्रैक्टिकल उसको करके दिखाया है, एडी के पापा ने पूरा सब कुछ करके दिखाया, और उसको खड़े रहते थे लेके, तो उसका डर वैसे निकला है। फिर उसको एक दिन करके वो जो अटैचमेंट होता है, जब पॉटी ट्रेनिंग से फिर ऊपर गए, तो वो अटैचमेंट जो होता है शीट पे लगाने वाला, वो लिया था, एक अटैचमेंट अलग से है, और उसको मतलब एक एक स्टेप में सिखाया, पहले तो बैठना जाना, फिर उसमें उसकी हेल्प करेंगे हम कि हाँ ठीक है जा रहा है, तो उसके बाद एक एक हेल्प को कम करते गए, ये अटैचमेंट बेटा तुमने ही रखना है, चलो तुमने रख दिया, हटा मैंने दिया, फिर अगली बार से तुमने ही रखना है, तुमने ही हटाना। और एक चीज और हेल्पफुल हुई है कि हम लोगों ने ना एक नीचे जो उसको क्या बोलते हैं, पटरा स्टूल, स्टूल ले लिया था, कम्बोर्ड है वेस्टर्न टाइप, तो एक स्टूल लिया हमने ताकि उसको वो वाला हाइट ना लगे, नीचे पैर रखेगा और बैठेगा उसको लगता है मैं उस छेद में गिर जाऊंगा, तो फिर उसको वो जो स्टूल लिया उसका पैर उस पे रखवाते थे, तो वो जस्ट लाइक वैसा होता था इंडियन टाइप, क्योंकि आपका पैर भी ऊपर हो गया और वैसे बैठे, और वो सही तरीका एक्चुअली में वही है वेस्टर्न पे भी बैठने का, तो अगर वेस्टर्न पे भी बैठते हैं तो नीचे एक स्टूल होना चाहिए जिसके ऊपर आप पैर रखें। तो बस वो उस स्टूल की प्रैक्टिस कराई, फिर एक एक करके उसको अटैचमेंट लगाना हटाना, फिर स्टूल को भी खुद से लगाना फिर हटाना, और स्टूल काफी हेल्पफुल रहा एडी के पापा, उससे फियर निकला, स्टूल अभी भी उसके आगे का स्टूल अभी भी लगाता है। फिर उसके बाद क्लीनिंग करना, क्लीनिंग करने के लिए जेट से पानी कैसे आता है, फिर जेट से पानी आ रहा है तो कैसे आपको अपने आप को सेट करना है सही जगह पे, फिर वो जगह पे उसको फील, क्योंकि उसको सेंसरी का इशू है तो उसको जल्दी वो हो नहीं रहा था, तो फिर वो धीरे धीरे बैठे भी रहना है, पहले वो क्या करता था उठ के फिर जाके ऑन करता था, नहीं वहीं बैठना है फिर आपको वो लगाना है, तो वो धीरे धीरे एक एक स्टेप करके हम उसको लेके आए। अभी एडी इस स्टेप पे है कि वो खुद से जाएगा, कपड़े भी खुद उतारेगा, पॉटी करेगा, वॉश करेगा, फ्रेश होगा, कपड़े खुद पहनेगा और बाहर आएगा, तो ये चीज अभी फिनिश हो गई है, और वो जो अटैचमेंट है उसको खुद लगाएगा और खुद हटाएगा, बाहर कहीं जाते हैं तो वो अटैचमेंट नहीं मिलता, नहीं मिलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं, एडी वैसे भी बैठ जाएगा क्योंकि उसका वो फेयर जा चुका है, अब वो धीरे धीरे वो अटैचमेंट वहां से मुझे गायब ही कर देना है ताकि वो उसमें ही कंफर्ट हो जाए। तो इस चीज में ऐसा नहीं कि साहब कुछ भी छड़ी घुमाई और हो गया, आज कर रहे हैं फ्रस्ट्रेट हो गए तो सीख ही नहीं रहा जी क्या करें कैसे करें ये करें, 2 साल लगे थे, बहुत आराम से बोल दे रहा हूँ 2 साल लगे थे, लेकिन जब आप 2 साल गिनोगे तो फील होगा आपको। और एक चीज और है ना, ये चीजें हम एडी के पापा ने स्टेप बाय स्टेप की हैं, हर चीज को एक साथ नहीं सिखाया क्योंकि वो हर चीज लेता ही नहीं है, सारी चीजें मिक्स हो जाएंगी फिर वो कोई चीज नहीं लेगा, इसलिए उसको। और अभी भी एक चीज बची है कि वो पूरा पैंट और अंदर का अंडरवियर उतार के बाहर जाता है, उसकी ट्रेनिंग हमें करानी है कि तुम्हारे कपड़े नीचे गीले ना हो, तुम्हें होल्ड करना है या तुम्हारा नीचे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बाहर के टॉयलेट एकदम वेट होते हैं, अब वो कैसे करेगा क्या करेगा, उसके पापा को अभी बाहर हेल्प करनी पड़ती है उसकी। अभी उन चीजों के लिए मैंने स्टार्ट कर दिया है कि आपको पूरी पैंट और पूरा अंडरवेयर बाहर उतारने की जरूरत नहीं है, आप हल्का सा नीचे करके उसको रोक के रख सकते हो घर पे, तो ठीक है चलो अगर हल्का सा नीचे भी गिर गया तो। कराया है मैंने, लेकिन अब उसको बिल्कुल रूटीन में वैसे ही लाना है कि बेटा अपने कपड़े, वो नहीं तो उसकी आदत है कपड़े इस जगह पे रख देगा उतार के और फिर अंदर जाएगा, तो अब उसको मुझे बताना है कि अब ऐसा करके और ऐसे भी पहना जा सकता है, और कोई और पहले एक चीज और करता था वो, जैसे जेट से वॉश करना है तो वो जेट से पीछे के पूरे कपड़े भिगो लेता था, अब उसको बार बार उठा के बैठाना, वो बेटा पकड़ के बैठो, तो अब वो जाके करता है क्या, अब पहले कपड़े भी ऊपर करता है, सारा सेट हो गया। और ये चीजें ना हमको एक नॉर्मल इंसान को लगेगा टॉयलेट क्या है, टॉयलेट ट्रेनिंग नॉर्मल बच्चों की 1 साल के अंदर अंदर हो ही जाती है, मतलब विद इन अ
एक वन ईयर में कंप्लीट पेरेंट करा देते हैं और उनको याद भी नहीं होता कि कैसे सिखाया होगा, कैसे सिखाया होगा, क्यों, क्योंकि वो बच्चों को कुछ चीजें ना नेचुरली पता होती कि मेरे कपड़े नहीं गीले होने चाहिए, मुझे ऐसे करना है, ये मूवमेंट करना है। हमारे बच्चों को ना प्रॉब्लम ज्यादा और हर बच्चों को अलग प्रॉब्लम है, तो किसी पेरेंट को कुछ दिक्कत आती, किसी पेरेंट्स को कुछ दिक्कत आती, ये बहुत मुश्किल काम है स्पेशल बच्चे को ये सिखाना। तो मुझे लगता है ऑलमोस्ट जितना था वो मैंने बता दिया। अगर की पॉइंट्स बताऊं तो दो तीन जो यूजफुल रहे, की पॉइंट्स, एक स्टूल ज्यादा यूजफुल रहा, दूसरा कंबोर्ड पे लगाने का एक अटैचमेंट ज्यादा यूजफुल था, तीसरा एक उसको जो क्लिप्स और वीडियोस हमने दिखाई, फोटोज वगैरह, और उसमें से ना फोटोज भी ऐसे चुनिए ना जिसमें साफ हो कि पॉटी हो रही है, मतलब बैठ रहे हैं तो क्या हो रहा है, तो बच्चे को नहीं पता, वो जाके बैठ जाएगा, क्योंकि एडी स्टार्टिंग में बैठा रहता था आधा आधा घंटा, उसे पता ही नहीं, उसको लगता था कि ये कुछ ना एक्टिविटी है तो जो मुझे बैठनी है, बैठनी है, और फिर ऊपर से क्या करता था, बैठ के फिर उठ के हाथ हिलाने लगता था। हाँ, तो हम लोगों को बहुत ध्यान रखना पड़ता था, उसको पता ही नहीं चला कि ये पॉटी है स्टार्टिंग। तो वो ऐसे फोटोज पिक्चर्स इंटरनेट पे आप सर्च करोगे मिल जाएंगे। हाँ, कि वो पॉटी मतलब हो रही हो, मुझे तो मुश्किल से मिले थे, उस टाइम पे ऐसे फोटोज वगैरह नहीं थे। और दूसरी चीज, बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन पेशेंस रखना चाहिए और धीरे धीरे सिखाओ तो हो जाएगा, सब होगा, घबराने से कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे करेंगे, बढ़ता जाएगा, बच्चे सब कुछ करेंगे, है ना, हिम्मत मत हारिए, बढ़ते रहिए। अभी देखें एडी हमारा अभी तक नहीं उठा, क्या सीन चल रहा है, और आज हमारा प्लान था कहीं बाहर जाने का, तो सोच रहे थे कहीं बाहर चले जाएंगे, बच्चों को ले जाएंगे, आज संडे है, थेरेपी की भी छुट्टी है, लेकिन क्या बोले, अभी देख के आता हूँ एक बार, उठा के नहीं उठा, अभी भी सो रहा है। तो जी मुझे लगता है कि वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है, इस वीडियो को अगर अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा, मन में कोई सवाल अभी भी आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आपके पास कोई सुझाव हो हमें देने के लिए बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एडी हैनी बाय बाय करने के लिए हम ही कर देंगे बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।